श्रवण के मन की सब आजकल करना छे कतिक समय छे आजकल ये हुए छे खेती बाड़ी में धान लगेले छे दीदी अखनी वर्षा जे बरसे छे धान रोपलो श्री विधि से हाँ दीदी श्री विधि से धान लगेले छे खेत में दीदी तो सब यहाँ बैठल छो कौन बात के चर्चा तनी हमरो बताबो भैया यहाँ सब चर्चा करे रहिए कि श्री विधि से धान लगल छे अब केहन होके छे नहीं होके छे यहाँ सब चर्चा कह रही दीदी श्री विधि जे धान लगेलो तो अब ओकरा में की करबो भैया 10-15 दिन भाग रहे लगाए अब लगेलिए 10-15 दिन भाग गए अब ओकरा में घास उस निकरे छे अब कमेब दीदी खेत में जे श्री विधि से धान लगेलो है ओहि में खर पतवार घास भए गेल छौ तो ओकरा केना कमेबो भैया हमें कोनो बीडर से कमेबै धान ललिता दीदी कहलकै कि हम कोनो बीडर से धान कमबै छी ठीक छै तो सब दीदी कथी से धान कमेबो भैया हम कोनो बीडर से नहीं कम सकबै धान हम खुरपी से कमेबै भैया हमरो खेत में घास आर भाग गेलै से कचिए से कमौनी करबै खेत छोटा छै पानी ज्यादा लागल छै हाथे से कमेबै दीदी बोललै कि 4 तरीका से धान कमबै छै कोई कचिया से कोई खुरपी से कोई कोनो बीडर से कोई कलके हम हाथे से खींचे छिए तो सब दीदी एना ही करबो भैया हम धान नहीं कमाबै छिए दीदी धान केहन कमाबै छो तू भैया कोई दीदी कहै छै कि हम पसनी से कमेबै कोई कहै छै कचिया से कमेबै कोई कहै छै कोनो बीडर से कमेबै कोई कहै छै अथी हाथे से कमेबै हमरा तो कोई फायदा नहीं लागै छै कि अथी कमेला से कोन फायदा मिलै छै ठीके कहलो माया दीदी कमेला से कोनो फायदा नहीं होके छै आ मेहनतो ज्यादा लागे छै दीदी एकरा में समय या मेहनत तो लगबे करे छै लेकिन बहुत सारा फायदा छै कमेला से भैया की सब फायदा होय छै धान कमेला में दीदी कमेला से बहुत सारा फायदा छै पहला फायदा ई छै कि जड़ में धूप लगे छै दूसरा फायदा ई छै कि जड़ में हवा अच्छी तरह से लगे छै जकरा से कि पोषक तत्व बहुत अच्छा होय छै दीदी एकरा से पौधा के विकास बहुत अच्छा होय छै और 20-30% उपज में वृद्धि होय छै। चल दीदी या ई सब दीदी यार खेत अपना कमौनी करते चल जा सब मिल के देख लियो केना कमबै छै खेत के चलो 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 देखिए दीदी सब केना केना कमबै छै चलो दीदी देख लियो खेत दीदी हम खेत खुरपी से कमाबै छिए दीदी ई कथी खुरपी से जेना कमाए के एना के झाँपै छियै से कहना दीदी एकरा खुरपी से कहना झाँपाबै छियै कमाए के जड़ से लगाबै छियै जड़ से जे अलगि जाइ छै तऽ ई फेर से जलमतै नहि आ तकर बाद ई मिट्टी से जे झाँपाबै छियै दीदी ई जे छै खाद के काम करतै हरा खाद के हाँ दीदी तो सब देखलो कि खुरपी से दीदी साखो दीदी केना धान कमेलकै अब चलो कोनो बीडर कमबै छै ओकरा चलो देखबै केना के चलो भैया देखबै हाँ भैया चलो देखै ने देखो दीदी हम कोनो बीडर से केना के धान कमौनी करे छिए चलो दीदी चित्ररेखा दीदी जी बोलल रहे कि हम कचिया से धान कमबै छिए चलो केना के धान चित्ररेखा दीदी कमबै छै चलो सब गोरा मिल के देख लियो हाँ भैया चलो भैया देख लियो देख लेबे दीदी देखिए हम कचिया से केना के माटी सटा कमा रहल छी देखै छौ सब दीदी देखो वहाँ देखै छी तऽ कचिया से कमबै छै दीदी बढ़िया
अंत में चल पड़ा दीदी के केना धान कमबे छे हाथ से चल सब गोरा दीदी मिल के देख लेबे। हां चल भैया। हां भैया चल देख लो। देखो छ दीदी हाथ से केना कमाबे छिए हम। दीदी तोरा देखे छियन घास खर पतार देखे छियन बढ़िया से मिला दे छो कादो में। हम सब यह करे छियै कि कमा के आरी पर दे दे छियै। हमें जो मट्टी तर में दबावे छियै खाद बने छै। हाँ दीदी सही है दीदी बोलन कि खाद जे छै अथी घास जे छै खेत से नहीं निकाल बढ़िया जे मिला दे छै प्राकृतिक खाद बन जाए छै। देखलो दीदी सब चार तरीका से खेत कमेल के कोई कचिया से कोई खुरपी से कोई हाथ से कोई कोनो बिडर से तो घास निकलना बहुत जरूरी छे। घास निकालबो तो खेत धान अच्छा हेथन और उपज बढ़िया हेथन। कोनो भी तरीका से दीदी धान कमबो लेकिन कमाना जरूरी छे धान के। दीदी तो सब देख लो कि चार तरीका से धान कमेल के एकरा कोई कचिया से कोई खुरपी से कोई हाथ से कोई कोनो भी डर से सबसे अच्छा तरीका है छे कोनो भी डर से। और कोनो भी डर से नहीं कमा सकबो तो कोई एक तरीका से धान कमा सके छो। ते सब भैया कितना कितना दिन पर धान कमाना चाहिए? पहला कमौनी 15 दिन पर, दूसरा कमौनी 30 दिन पर, तीसरा कमौनी 45 दिन पर करबो कमाना जरूरी छे। भैया धान कमबे में कोनो सावधानियो राखे पड़े छै? सावधानी यह रखल पड़े छै दीदी जे घास कमबे छो घास के ओहन ठा दवाई देना छै। घास के देवेला के बाद जे छै उ खाद के रूप में काम आबे छै घास। एहि लके उ बाहर नहीं फेंकना छै घास के। हाँ दीदी देखलो न चार तरीका से दीदी सब खेत कमौनी करलके आ ई कमेबो ना खेत के? हाँ भैया देखलिए सब कर अथी कमेता हमहू कमेबे ओहने करके। दीदी देखलो कि चार तरीका से खेत के धान कमेल के तो कोनो एक तरीका से खेत कमाना जरूरी छ।